तो हार दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पहले से हम बता रहे थे लाइव आकर या स्टोरी लगाकर या हर जगह पोस्ट करके कि हम बहुत ही जल्द क्यू एन ए वीडियो करने वाले हैं क्योंकि काफी लोगों का मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा सवाल था तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं क्यू एन ए वीडियो क्यू एन ए का मतलब होता है कि आपका प्रश्न और मेरा एंसर तो हम बहुत प्रश्न उठाए कहीं कहीं से तो अभी वो सारा प्रश्न का हम उत्तर देने वाले हैं इसी वीडियो में तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि जो भी आपके मन में जो भी प्रश्न होगा मेरे प्रति तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रश्न हमसे पूछा गया है वो ये है कि भैया आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है और आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि एंड में हम बताने वाले हैं कि आखिरकार मेरी गर्ल कौन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया यही क्वेश्चन है तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि भैया आपका घर कहाँ इस क्वेश्चन के हैं अंकित राज छोटू धीरंजन दिशा राज और एमडी फयाज इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आपका घर कहाँ है तो मैं अपना एड्रेस बताता हूँ दोस्तों कि मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ और झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग में बड़का गांव प्रखंड से उसके बाद दोस्तों आया है क्वेश्चन क्यूट बॉय के द्वारा कि आपका वीडियो फनी ही क्यों होता है तो इसके पीछे ये रीज़न है दोस्तों कि हम काफ़ी दिन से वीडियो बना रहे थे यूट्यूब पे या इंस्टा पे लेकिन पहले हम बनाते थे इमोशनल वीडियो और कुछ शायरी वगैरह करते थे तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बनाने के बाद ही मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ तो उसके बाद हमने ट्राई किया था फ़नी वीडियो और एक फ़नी वीडियो ऐसा हुआ था आम वाला वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और मुझे लोग फ़नी मोमेंट में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं अगर अभी हम इमोशनल वीडियो डालेंगे तो लोग उतना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि शुरू से मेरा कंटेंट है फनी इसलिए आप लोग को भी कहते हैं कि जो कंटेंट आप शुरू से रखते हैं ना उसी कंटेंट पे आप काम कीजिएगा तो आपका वीडियो ज्यादा वायरल होगा तो इसीलिए हमारा कंटेंट होता है फनी का तो गाय उसके आगे पांचवा क्वेश्चन है अहिर अमित अक्षय और अनिकेत के द्वारा आपका इनकम कितना है सोशल मीडिया से इंस्टा और यूट्यूब दोनों के बारे में पूछे तो मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम में कोई फिक्स इनकम नहीं होता है वो प्रमोशन के हिसाब से होता है अगर हम अभी अब किसी का स्टोरी प्रमोशन करते हैं तो उसके लिए हम पचास रुपये लेते हैं और अगर कोई वीडियो को हम कोलोब्रेशन करते हैं तो उसके लिए अभी एक हज़ार चार्ज करते हैं और दोस्तों यूट्यूब का बात रहा तो यूट्यूब से अभी एक भी पेमेंट मेरा नहीं आया है बट हाँ आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत जल्द मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आने वाला है बाकी बात यूट्यूब का जितना भी क्राइटेरिया होता है वाच टाइम और भी दस डॉलर होने के बाद जो एडसेंस पिन वगैरह आता है वो सारा कुछ क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है बस आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए तो बहुत जल्द मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आने वाला है दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन है पगली गर्ल्स के द्वारा आपने किसी से प्यार किया तो हाँ यार हमने बहुत सारा प्यार किए और अभी भी करते हैं अपने माँ बाप से उससे अगला क्वेश्चन अहिर अमित के द्वारा पूछा गया है आप कलाकार को कितना पैसा देते हैं जो आने के आर्टिस्ट लोग आती है मेरा साथ काम करने के लिए उन लोग को हम कितना पैसा देते हैं तो वो उन लोग जितना आर्टिस्ट मेरा साथ गर्ल्स आर्टिस्ट है या बॉयज़ आर्टिस्ट आते हैं उन लोग को अलग अलग पेमेंट होता है किसी को हज़ार रुपये तो किसी को पंद्रह सौ रुपया किसी को दो हज़ार साथ ही साथ आना जाने का खर्चा भी देते हैं तो ज़्यादा तो अभी पेमेंट नहीं करते बस हज़ार दो हज़ार में मेरा साथ अभी आर्टिस्ट लोग काम कर लेते हैं उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया है संध्या कुमारे के द्वारा आपकी जी का नाम क्या है तो ये भी अभी डॉट डॉट में है अभी आपको वीडियो को एंड में देखने के लिए मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जवाब होगा और नाम सहित बता देंगे कि कौन है मेरी गर्लफ्रेंड फ्रेंड कहाँ की है और फ़ोटो सहित लगा देंगे तो इसीलिए आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आपका नानी घर कहाँ है तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरा नानी घर बड़का गाँव है उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्यूट बॉय अंकु के द्वारा कि भैया आप कितने भाई बहन होते हैं तो मैं बता दूँ मेरी तीन सिस्टर है जो हमसे तीनों बड़ी है और तीनों का मैरिज भी हो गया है और अभी सिर्फ हम ही घर में कुंवरें और मेरा भाई एक भी नहीं है हम सिंगल है यानी कि तीन बहन और एक भाई तो दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन ये है अक्षय कुमार के द्वारा कि आपके पास कितना ज़मीन है और ज़मीन के मैटर में इसलिए पूछा गया दोस्तों क्योंकि आपको ये खेत और इससे अगला वाला खेत हर वीडियो में लमसम देखने के लिए मिलता होगा और ये दोनों खेत में हम बहुत ज़्यादा काम करने वाला वीडियो बनाए हैं रील्स वीडियो बनाए पापा के साथ जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इसीलिए हमको पूछा जाता है और दूसरा चीज़ की खेती का वीडियो हम ज़्यादातर डालते हैं इसलिए पूछा जाता है कि आपके पास जमीन कितना है बट दोस्तों सच्चाई ये है कि न ये ज़मीन मेरा है ना वो अगला ज़मीन मेरा है ये ज़मीन किसी और का है बट हम लोग आधा बटैया में यानी कि जो भी फसल होता है यानी कि जैसे भी हम ये लगाए हैं तो ये फसल आधा जिनका ज़मीन है उनको देना पड़ेगा और आधा मेरा होगा और मेरा पास बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में ज़मीन है इसीलिए हम लोग दूसरे का ज़मीन लीज पर लेके और खेती करते उसमें तो दोस्तों उससे अगला क्वेश्चन ये हमसे किया गया है कि राकेश कुमार के द्वारा ये क्वेश्चन है कि आपके पापा का क्या नाम है ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले भी बहुत बार आता था तो मैं बता दूँ कि मेरे पापा का नाम श्री केवल महतो है उससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिकू ब्रेक स्टार के द्वारा आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मेरे घर में तीन मेंबर्स हैं मम्मी पापा और हम और दोस्तों आप लोगों का अगर सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत जल्द एक मेंबर और आ जाएगी मेरी वाइफ उससे अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है अहीर अमित के द्वारा आप सोशल मीडिया के अलावे भी क्या करते हो तो मैं बता दूं कि मेरा सोशल मीडिया के अलावे एजुकेशन यानी कि अभी पढ़ाई ही रहा है मेरा दूसरा जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं जो आपको वीडियो में भी देखने के लिए मिलता होगा खेती बाड़ी क्योंकि हम प्रॉपर एक किसान फैमिली से हैं तो हम सोशल मीडिया के अलावा खेती बाड़ी भी करते हैं उससे अगला क्वेश्चन पवन कुमार के द्वारा पूछा गया है कि भैया आपका एज क्या है क्योंकि काफ़ी लोगों का जब हम लाइव चला के ये हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था कि भैया आप शादी कर लो वरना आप बूढ़े हो जाओगे तो इसीलिए बहुत सारा का क्वेश्चन आया था कि आपका एज क्या है जिसमें पवन कुमार का सटीक क्वेश्चन था कि आपका भाई एज क्या है भैया तो मैं बता दूँ कि अभी मैं ट्वेंटी का हुआ हूँ फरवरी में ही पाँच फरवरी को मेरा बर्थडे था तो अभी मेरा उम्र है चौबीस साल तो दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन के हमने रखा था ब्लॉक की हम लास्ट में बताएंगे कि जो पहला दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आया है कि आपकी गर्ल फ्रेंड है या नहीं है अगर है तो उसका नाम है उस नाम क्या है दूसरा क्वेश्चन ये कि आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ जैसे मैं निधि महतो के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया जो फर्स्ट नंबर में ही था भैया आप शादी कब कीजिएगा उसके बाद है रौना कुमार के द्वारा आप शादी कब कीजिएगा ग्रीक आइस के द्वारा आप शादी कब कीजिएगा अनिकेत कुमार के द्वारा आप शादी कब कीजिएगा इंस्टा हीरो के द्वारा भैया आप शादी कब कीजिएगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी लोगों का प्रश्न है कि भैया आप शादी कब कीजिएगा तो भाई अभी हम पैसा वैसा नहीं कमा रहे हैं और अभी अगर हम शादी कर लेंगे ना तो बड़ा तकलीफ़ झेलना पड़ेगा दूसरा बात ये है कि हमार जैसा बेरोज़गार आदमी के कोई लड़की दे तब तो करे पटाए तो है नहीं घर वाले के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और घर वालों का कहना है अरे छोड़ा जब तक तू कमाई भी धमे भी ना ले तब तक तोर बिया ना हो तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से मेरा यूट्यूब से पेमेंट आ जाए और जल्दी से हम शादी कर ले कहा बोले दोस्तों तू समझा नहीं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था दीपक कुमार के द्वारा आपकी गर्ल फ्रेंड है भैया सुधीर के द्वारा आपकी गर्ल फ्रेंड है भैया इट्स मी राजेश के द्वारा आपकी गर्ल फ्रेंड है भैया और भी क्यूट बॉय के द्वारा आपका गर्ल फ्रेंड है भैया अगर है तो उसका नाम क्या है तो दोस्तों मैं बता दो आपको बहुत ही क्या बोला जाए ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों कि मेरा गर्ल फ्रेंड नहीं है तो सलाह ये दुख ख़त्म नहीं होता बे। कसम से बता रहा हूँ यार एक भी नहीं है जो भी लड़की मिलती है झूलती है बात करती घर घर जाके यही बात बोलती है भैया आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाती है सेल्फी लेती है घर जाके मैसेज करती है भैया बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं एक भी नहीं है <laughs> तो दोस्तों सारे प्रश्न को हम सही सही रिप्लाई किए हैं सबको जवाब दिए हैं उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना ही मेरा अभी शादी हुआ है ना ही मेरा यूट्यूब से इनकम हो रहा है और ना ही मेरी कोई गर्ल फ्रेंड है ना ही किसी से मेरा कोई रिलेशनशिप है बट हाँ अगर आप लोगों को सपोर्ट प्यार रहा तो शादी कर लेंगे लास्ट में और क्या क्योंकि अब तो उम्मीद है नहीं गर्ल फ्रेंड बनने का तो बस आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट एंड प्यार देते रहिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट खास वीडियो लेकर और और क्या बोले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली डेली इंटरेस्टिंग स्ट्रेटिंग इंटरेस्टिंग सॉरी सॉरी डेली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलते रहेगा और अगर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किए होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम में जाकर मुझे फॉलो करें क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार से मेरा एक लाख का परिवार कंप्लीट हो गया है आप सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग लेकर तब तक के लिए बाय बाय और बहुत जल्द हम ब्लॉग में घर को भी दिखाने वाले हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना